सकी भाई, क्या मामला है? 30 अगस्त को मुंबा पुलिस स्टेशन में खबर मिली कि मुंबा पुलिस स्टेशन के बाजू में लक्ष्मी निवास बिल्डिंग है, वहाँ के ए विंग के चौथे माले के टेरेस पे एक डेड बॉडी डिकम्पोज कंडीशन में मिली है। वहाँ पे हमारी टीम गई, वहाँ पे सीनियर PI शिंदे, PI पासवर्कर, PI बाकी धमने वगैरह देखा तो एक डेड बॉडी थी। इसको लग रहा था कि कुछ इसके ऊपर स्टैप की इंजरी है और बॉडी डिकम्पोज थी, तो बॉडी अनआइडेंटिफाइड बॉडी थी। तो उसके बारे में फिर हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया उसके इंक्वायरी के लिए। और फिर पहले बॉडी आइडेंटिफाई कर लिए तब पता चला कि वो दामोदर कोली वो पकड़े हैं, 52 साल का आदमी है जो शिवाजी पार्क दादर में रहता है, उसकी बॉडी है। तो उनके घर वालों को बुलाया, बॉडी की शिनाख्त कर दी गई, बॉडी की पहचान कर दी गई और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई। पोस्टमार्टम में पता चला कि उसके छाती पे और गले पे चाकू के निशान है और जो जो जख्म है उनकी वजह से उसकी वजह से उसकी डेथ हो चुकी है। उसी इंफॉर्मेशन को लेके हमारी टीम API कोरडे, API कुमार और उनके हवलदार, इन लोगों ने CCTV और टेक्निकल बातों को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिगेशन चालू किया और उसमें से 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जिन लोगों ने ये वक्त के इसका अंजाम दिया था। इसमें एक लड़की है सुप्रिया मच्छिंद्र वाघमारे जिसकी उम्र है 36 साल, और लड़का है आमिर नूर मोहम्मद शेख, उम्र है 33 साल, मजे पहले मुंबई में रहते थे और इसी की वजह से इनका जो प्रॉब्लम था इसकी वजह से उन्होंने उसका मर्डर किया था। उनको कस्टडी में लेके जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो उसमें से वो जो मयत है उसका मोबाइल चेन और ये मर्डर में जो यूज़ किया हुआ वेपन है चाकू को रिकवर किया गया है। दोनों आरोपी आज तक 6 तारीख तक पुलिस कस्टडी में है। सर, इसमें कारण क्या था, वजह क्या थी जिस वजह से जो है हत्या की गई? ये जो मयत है दादर स्टेशन पे फूल मार्केट में फूल बेचते हैं, उसके बाजू में ये जो आरोपी है सुप्रिया मछिंद्र वाघमारे उसका भी फूल का ठेला था। उसके पिताजी ये मयत के फ्रेंड थे और उसके बाजू में ये आमिर शेख जो है ये बेल्ट का उसका ठेला है। तो उसकी पहचान में ये मयत कई और सबकी पहचान थी, लेकिन मैं कुछ गलत नज़रिए से वो लड़की को देख रहा था और उसको गलत गलत मैसेज भेज रहा था और जिससे परेशान होकर उन लोगों ने प्लान करके ये मर्डर किया। सुप्रिया और आमिर का क्या संबंध है सर? तो सुप्रिया और आमिर एक लिविंग रिलेशन में एक साथ में रहते हैं। सर, मर्डर क्या चौथी मंजिले पर किया गया था या फिर कहीं मर्डर और करके यहाँ लाके रखा गया? चौथे मंजिले पर जाके अंधेरा है, वहाँ पे मर्डर हुआ है, वहाँ पे अंधेरा था और कुछ सामान था तो जाके जाके कोई ऐसा नहीं था, इसलिए उन्होंने वो जगह सिलेक्ट किया और वहाँ पर उनको अंजाम दिया। सर, इनको धोखे से बुलाया है कि मतलब कैसे यहाँ पर पहुँचे? उसको बुलाया गया था इधर कुछ ये देखे कि आज आपको मिलेंगे, कुछ पार्टी करेंगे, वो बहाने से बुलाया गया। वो बहाने से आया तो उसको आगे लेके जाकर उसको तो आरोपियों की कस्टडी कितने दिन तक बढ़ाई गई है सर? अभी कस्टडी में है तो आरोपियों की कस्टडी कितने दिन तक? आज तक 6 सितंबर तक कस्टडी में है, आज उनको कोर्ट में ले जाएगा और कस्टडी बढ़ा के ली जाएगी। सर, इसके अलावा और भी इसमें आरोपी हैं मतलब शामिल हो सकते हैं इसमें? नहीं, इसमें और कोई आरोपी नहीं है, इनका भी कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं है। सर, थोड़ा वॉल्यूम।